की मांग पर फिर तेज हुआ आंदोलन। शहर में निकाली गई विशाल रैली, रैली में शामिल हुए राजनीतिक सामाजिक संगठन। मुख्यमंत्री के नाम एसएम को दिया ज्ञापन। जोशीमठ में ज्योतिष पीठ पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी का बयान, कहा जोशीमठ आपदा प्रभावितों के साथ खड़े हैं। ज्योतिषमठ मैनपुरी जनपद के थाना अलाउगंज अजीतगंज में किराने की दुकान में लाखों की गोली, बीती रात अज्ञात चोरों ने बनाया निशाना। अल्मोड़ा में सरकार की बेरुखी से नाराज राज आंदोलनकारियों ने चौघान पाटा गांधी पार्क में किया धरना प्रदर्शन। 25 फरवरी से रथ यात्रा निकाल कर अपनी मांगों को लेकर करेंगे ध्यान आकर्षित। नागदा में पीएम के स्वच्छ भारत मिशन से प्रभावित होकर 65 वर्षीय सैफुद्दीन ने जगह जगह दिया स्वच्छता का संदेश। भोपाल में रहते हैं सैफुद्दीन, कचरा गंदगी करने वालों को स्वच्छता के प्रति करते हैं जागरूक। पुरानपुर में श्री शिव महापुराण कथा के दूसरे दिन पहुंचे लाखों श्रद्धालु, कथा वाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की मौजूदगी में कथा का वाचन। बलरामपुर के रामानुजगंज में भव्य वार्षिक उत्सव कार्यक्रम का आयोजन, मुख्य अतिथि रहना जामिल, विशिष्ट अतिथि रेशमा बैराकी और छात्र छात्राएं रहे उपस्थित। मंदसौर जिले के गांधी सागर में फ्लोटिंग फेस्टिवल में आकर्षक कार्यक्रम का आयोजन, फेस्टिवल के तीसरे दिन पर्यटकों की अलग अलग एडवेंचर एक्टिविटीज। बुरहानपुर जिले में शिव महापुराण कथा का आयोजन, पंडित प्रदीप मिश्रा कर रहे शिव महापुराण का वाचन, 200 एकड़ भूमि पर पंडाल और मेले का किया गया आयोजन। शासकीय महाविद्यालय शमसाबाद में जनभागीदारी समिति अध्यक्ष का हुआ पदभार ग्रहण, राजेंद्र जैन ने किया पदभार ग्रहण। विधायक राजश्री सिंह ने बच्चों की सुविधा के लिए वाहन और प्रतिष्ठालय की सौगात। चमोली पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पहुंचे भराड़ी, सैण गैरसैण की उपेक्षा को लेकर विधानसभा परिसर के बाहर 1 घंटे की बैठक, पूर्ण उपवास पर। कटनी में बहोरी बंद जनपद के समस्त सरपंचों ने विकास यात्रा का विरोध करने का लिया निर्णय, 1800 की मांगों को पूरा नहीं करने पर विकास यात्रा का किया विरोध। लखनऊ में G20 ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर आयोजित हो रहे राहगीर कार्यक्रम, उपाध्यक्ष इंद्रमणि त्रिपाठी ने दिए निर्देश, रंगारंग कार्यक्रम चित्रकारी आयोजन के लिए निर्देश। मसूरी में राष्ट्रीय एकात्मता यात्रा के तहत पूर्वोत्तर भारत से आए 25 सदस्य दल का किया स्वागत, पूर्वी यूपी मसूरी शाखा ने दल का किया स्वागत। बैतूल में विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर कैंसर के खिलाफ धरना प्रदर्शन, सरकार से कठोर नीति बनाने की मांग, कैंसर जनित नीतियों पर सरकार लगा प्रतिबंध। कटनी में शासकीय मेडिकल कॉलेज की मांग को लेकर सदबुद्धि यज्ञ का आयोजन, कटनी डेवलपमेंट एसोसिएशन के द्वारा चलाया गया अभियान। विकास नगर के NIGI कॉलेज ठकरानी में मे खाबी छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह आयोजन, हाईस्कूल और इंटर में अच्छे अंक प्राप्त करने वालों का हुआ सम्मान। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का निधन, दुबई के अस्पताल में लंबे समय से चल रहा था इलाज, 89 साल की उम्र वाली आखिरी सांस। चीन के जासूसी बैलून पर अमेरिका के स्ट्राइक, बाइडेन ने फाइटर पायलट्स को बधाई दी, चीन बोला हमारे पास भी ऑप्शन था। इजराइल के 20 शहरों में पीएम नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन, लोगों ने एंड ऑफ डेमोक्रेसी और सरकार विश्व शांति के लिए खतरे के नारे लगाए। यूक्रेन में इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन लगी भीषण आग, 5 लाख लोग बिना बिजली के रहने को मजबूर, जेलेंस्की बोले हालात मुश्किल हो रहे। पाक आर्मी के खिलाफ बोलने पर 5 साल की जेल, शहबाज सरकार ने तैयार किया बेल, जुर्माने के तौर पर 10 लाख रुपए वसूलेंगे। सिडनी बालाघाट में आज कोल्ड वेव, एमपी में 2 दिन बाद थोड़ी राहत, 9 से 10 फरवरी से फिर कड़ाके की ठंड। इमरान खान ने जेल भरो आंदोलन का किया ऐलान, बोले चलो सरकार का स्वागत पूरा करते हैं, वे बदले की भावना से गिरफ्तारी करते हैं। एनएसए डोभाल बैरो की मीटिंग में अचानक पहुंचे पीएम सुनक के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को बढ़ाते में सहयोग का किया भरोसा, भारतीय हाई कमीशन ने जानकारी दी।